वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए रविवार को बाबा रामसिया जी की बरसी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा और फूल बंगला कार्यक्रम आयोजित किया गया। ढाकरान स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में आयोजित हुए कार्यक्रमों से पूर्व मंदिर प्रांगण में पूजन प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसके बाद हवन के दौरान एकत्रित हुए सभी लोगों ने हवन में पूर्ण आहुति दी, जिसके बाद विशाल और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित रहे कार्यक्रम संयोजक मुनेन्द्र जादौन और आचार्य राहुल रावत ने विस्तृत जानकारी साझा की। महादेव, सर्वप्रथम मैं आप समस्त जो न्यूज है, मून न्यूज और अन्यान जो न्यूज है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं अपने माध्यम से। जो भी हवन हुआ है हमारे यहाँ पर, एक दिव्य संतु है सियाराम बाबा, उनकी पुण्यतिथि पर यह हवन हुआ जो कि हर वर्ष होता है, और इस वर्ष भी और भव्यता के साथ हवन सम्पन्न हुआ। अब भोजन होगा, कन्या भोजन होगा, उसमें ब्राह्मण भोजन होगा, संत भोजन होगा। ये परंपरा काफ़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है और ये निरंतर चलती रहेगी। पर्यटन स्थित प्राचीनतम बालाजी मंदिर के जो महंत बाबा रामसिया जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष 26 फरवरी को वार्षिक भंडारे का आयोजन होता है। फूल बंगले के द्वारा यहाँ सभी मंदिरों को सजाया जाता है। उसी क्रम में आज विशाल भंडारे का आयोजन आज शुरू हो चुका है, जिसमें दूर दराज के लोग प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं और सभी लोग विश्व कल्याण की कामना के साथ इस भंडारे को ग्रहण करके और उसकी कामना करेंगे। पूजा हवन सामग्री का कुछ हुआ? हाँ, शुरुआत में यहाँ फूल बंगले का आयोजन हुआ, उसके बाद हवन सामग्री हवन हुआ, उसके बाद प्रसाद का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। देर रात्रि तक दूर दराज के लोग यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण कर